सो है गाइस, इट्स मी न्यूजी लड़का। तो आज मेरे पास काफी सारी न्यूज़ है कवर अप करने के लिए, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं सौरभ जोशी व्लॉग्स के बारे में। तो उनका गाने का वीडियो कब आने वाला है उसके बारे में कुछ उन्होंने अपडेट दी है, यानी कि उन्होंने कुछ बताया कि वही छोटा सा क्लिप मैं आपको दिखा देता हूँ। डेली वीडियो पे कमेंट आते हैं गाने के लिए कि आपका गाना कब आएगा, गाना कब आएगा। अभी उसी के लिए एक टेक लेना था, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। एक चीज़ रह गई थी गाने में, तो वो अभी शूट कर रहे हैं यहाँ पे। तो होपफुली इस मंथ के एंड तक गाना आ जाएगा। मतलब काफ़ी लेट हो गया यार, बट चलो कोई बात नहीं, सब्र का फल मीठा होता है। और अभी क्या शूट कर रहा हूँ क्या नहीं वो मैं अभी आपको बता नहीं सकता, वो आप गाने में ही देख लेना। आपको आज के दिन का शूट भी गाने में दिखेगा, तो गैस करना गाना जब आएगा ना कि ये कब शूट किया। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, जो कि आ रही है हम लोग की फुकरा इंसान की तरफ से। उनका जो है डिस्ट्रैक्ट वीडियो आने वाला था, तो उसके बारे में भी उन्होंने कुछ इंस्टाग्राम पर लिखा है, वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द फर्स्ट कट ऑफ द डिस्ट्रैक्ट, डिड द शूट अगेन टुडे एज आई वांट टू डिलीवर समथिंग यू गाइज विल लव टू वॉच। I know I'm really already late, but I promise August end तक it will be yours and it will be worth the wait। तो जैसे कि आप लोग को पता चल गया है कि last अगस्त तक उनका आ ही जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ, जो कि आ रही है हम लोग की अमित भड़ाना की तरफ से। तो उनको फादर साहब वाले गाने में बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। उन्हें इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली थी जिसमें उन्होंने लिखा था 85 मिलियन ऑन परिचय और 31 मिलियन ऑन फादर साहब। सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम। तो चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ, जो कि आ रही है हम लोग की एल्विश यादव की तरफ से। तो उन्होंने एक इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली थी जिसमें उन्होंने लिखा था जोगिंदर और लखनऊ गर्ल का एक ही वीडियो में कर दूं, यानी कि रोस्ट की बात चल रही है, तो शायद से उनका एक वीडियो आने वाला है जिसमें दोनों का रोस्ट होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही कम्युनिटी अपडेट था, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।